सखी को जाना है अपनी सहेली के यहाँ करने स्लीप ओवर, और इस रात की वजह से उठने वाला है राजेश के घर में पर्सनल स्पेस का बवंडर। आइए देखते हैं कैसे शुरू होता है ये सारा चक्कर। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आज मौसम बड़ा। मूंग के पकोड़े और चाय, बहुत दिनों से बनाए नहीं थे और फिर आज मौसम इतना अच्छा है तो आज मौसम। How was your day, daddy? आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। क्या बात है, माँ के साथ बेटी भी मैदान में कूद पड़ी मोर्चा संभालने के लिए। क्या बात, क्या है? आज मतलब कत्लेआम होने वाला है? नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? अच्छा बंदूरानी, मामला बिल्कुल साफ है। रोज डाइटिंग और एक्सरसाइज से मेरा तेल निकालने वाली मेरी वंदुरानी आज मुझे तेल में तले हुए मूंग के पकोड़े खिला रही है। मेरी बेटी मेरा हाल चाल पूछ रही है। क्या खिचड़ी, क्या पकड़ी, बोलो। सखी को परमिशन चाहिए। किस चीज के? वो डैडी मुझे, वो मेरी पेडर रोड वाली फ्रेंड है ना अनविता, उसके यहाँ मुझे स्लीप ओवर के लिए जाना है। स्लीप ओवर यानी? ज्यादा कुछ नहीं राज, बस सखी उसके साथ जाके पढ़ना चाहती है। बस बस जाकर पढ़ाई करना चाहती? नहीं डैडी, मतलब मैं उसके यहाँ जाऊंगी, एक रात वहां रुकूंगी, फिर दूसरे दिन घर वापस आऊंगी। तो फिर रुकना क्यों है, मतलब दिन में नहीं पढ़ाई हो सकती क्या? डैडी स्लीप ओवर में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती। फिर क्या होता है? मतलब थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा खाना पीना, थोड़ी मस्ती, टाइम पास, गॉसिप। मतलब पढ़ाई के नाम पे पार्टी रात भर बिना सोए? अब नाम ही स्लीप ओवर है तो मतलब नींद खत्म, तो फिर सोएगा कौन? ए तू चुप कर प्लीज डैडी, वो अनविदा के पेरेंट्स है ना, वो एक शादी में जा रहे हैं, तो वो अकेली है, तो इसलिए तो ये प्लान किया है। तुम दोनों लड़कियां ही हो, मतलब सिर्फ जस्ट टू गर्ल्स? नहीं, गुनगुन भी है ना। अच्छा 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 अच्छा, ये अनविता, ये वही लड़की ना? वो विवान की गर्लफ्रेंड। हाँ हाँ, अच्छी है वो। ये विवान भी होगा क्या वहाँ? डैडी इट्स अ गर्ल्स नाइट, सिर्फ मैं अनविता और गुनगुन हूँ। ये हर्षद भाई ने परमिशन दे दी गुनगुन को? हर्षद भाई चेन्नई गए हुए, मना मत करो ना राज प्लीज। सखी का बहुत मन है राज। डैडी सखी। अरे यार ये वाली पकड़ दी ना, ये वाली तो फिर नहीं जाने देता, इस वाली के लिए परमिशन है। एक मिनट, अनविता के पेरेंट्स का नंबर मुझे चाहिए। एक मिनट रुको, मेरी पूरी बात सुनो। तुम अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करोगी, जब चाहे जब मन करे मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगा। ओके? यस, थैंक यू, थैंक यू। इसको क्यों थैंक यू? कुछ अच्छा वाओ, जितना बड़ा और मस्त तेरा घर है उतना ही मस्त तेरा रूम है यार। व्हाट अ रूम। थैंक्स वागली। यस कम इन, ये यहाँ रख दो। और सुनो, हमारा डिनर भी इधर ले आना। जी थैंक यू। वेलकम। यहाँ पे डिनर? हाँ, मॉम डैड भी नहीं है, मैंने सोचा कि हम लोग चिल मारेंगे ना। और विवान भी तो आने वाला होगा ना? हाँ हाँ, He'll be here any moment. विवान, एक मिनट, हम सिर्फ तीनों ही थे ना इस स्लीप ओवर में, मैंने तो डैडी को भी बोला था इसलिए तो मुझे परमिशन मिली। एक मिनट अनविता, अगर डैडी पूछेंगे ना तो मैं क्या बोलूंगी? क्यों गए? What? Too bad. We were just pulling your leg. कोई नहीं आने वाला बाबा। Take it easy सखी, इतना ड्रामा तो चलता है लाइफ में। अच्छा इतना ड्रामा चलता है, ये डबल ढोलकी हाँ?
And Anvita, you don't know my daddy, okay? यहाँ के सीधा घर लेके जाएंगे मुझे. ये कहाँ की फोटो है? ये? हम्म? ये हम स्की हॉलिडे में गए थे, अल्प्स में. मेरे डैड को स्की का बहुत शौक है. And I'll tell you, उनका बस चले ना, तो पूरा समर वहीं पे बिताएं. Nice या? हम तो एवरी समर समर प्रोजेक्ट्स ही करते रहे. ओके ओके, हमारा जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट देना है उसके बारे में डिस्कस करें. अरे हाँ, मेरा प्रोजेक्ट का सीन एकदम सॉर्टेड है. मतलब आई शो यू, यू हैव दिस फार्म इन कर्जर, तो मैं उसी का इको टूरिज्म प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ. ग्रेट यूज ऑफ एसेट एंड रेवेन्यू. मेरा तो मॉक प्रेजेंटेशन भी एकदम रेडी है, एकदम फास्ट हूँ मैं. नाइस यार, नाइस. मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या प्रोजेक्ट लूँ. इतना टेंशन हो रहा है ना, और डेडलाइन भी पास आ रही है. देख, तू चिल मार, कोई ना कोई आइडिया तो मिल ही जाएगा ना. एक काम करते हैं, लेट्स फ्रेशन अप एंड लेट्स चेंज. हाँ, चेंज अभी से. हाँ, बी कंफर्टेबल ना, यहीं पे चेंज कर लेते हैं. व्हाट? वेट, एक काम करते हैं, लेट्स प्ले दिस गेम. हम लोग साथ में चेंज करते हैं. हाँ, वंदना ने, सखी में जो ये चेंज हुआ ना, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा. मतलब कितनी एक छोटी सी बेटी थी हमारी, अब स्लीप ओवर की बात कर रही है, वो भी पेड रोड. हाँ, तो टाइम टाइम से मैसेज भेज रही है ना वो राज. हाँ, लेकिन अरे तो क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? टेंशन नहीं ले रहा हूँ, छोटी है वो, अपने आप को संभाल नहीं पाती वो ठीक से. राज, जब तुम उसकी एज के थे तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते थे ना, संभालते थे ना खुद को. हाँ, तो वो भी संभाल लेगी. लेकिन वो वक्त और था. हाँ, हर माँ बाप को ना ऐसा ही लगता है कि हमारा वक्त और था. अरे थोड़ा भरोसा करो सखी पे, थोड़ी फ्रीडम दो उसे. वो उसे कैसे, ताले चाबे में बंद करके रखते हैं. राज, times have changed. हमें भी ना सखी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा. Come on girl, Wagle, सखी, wait wait wait. Oh my God. Someone is looking really hot. Seriously? Yes. Selfies. Yes. Yes. So girls, मजा आ रहा है ना? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. Seriously, खुद का कमरा होने का मजा ही कुछ और है. It is so liberating. सच बोलूं, घर पे तो ऐसा लूज शर्ट पहनकर घूमना तो मैं सोच भी नहीं सकती. क्यों? Parents? नहीं, not because of my parents. पर मेरा भाई होता है ना मेरे रूम में, तो इतनी प्राइवेसी नहीं मिलती, थोड़ा ऑकवर्ड होता है. Oh, poor baby. You know, I totally understand. Privacy होना is really very important. I mean, हमारे यहाँ भी स्पेस तो मिलता है, but Anvita, seriously, तू लकी है यार, इतना बढ़िया घर, पढ़ाई में भी अच्छी है तू, और विवान जैसा बॉयफ्रेंड. Shut up. Actually, I'm not sure about विवान. I love surprises. I love mystery. And I don't want a predictable life. नहीं यार, मुझे तो regular चीजें पसंद है. Tension नहीं होती, stress नहीं होता. एकदम मेरे daddy के life जैसे. But tonight is not a regular night. Let the sleep of a fun begin. अथर्व द ग्रेटेस्ट लास्ट बार. 1 2 3 4 That's a 5 6 अथर्व. ए हेलो अथर्व. हेलो दीदी. अरे व्हाट इज दिस यार,
What is this, Atharva? ये हमारा कमरा है। तूने मेरे कमर को हाथ क्यों लगाया? अरे मेरे हाथ नहीं, मैंने पैर लगाया। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब बोल, मेरा बंद करो प्लीज। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मेरा पैर स्ट्रॉन्ग है या मेरा हाथ। ये अथर्वा, ये कोई तरीका है रूम रखने का? अरे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था साइंटिस्ट की तरह। आपने बोला ना कि आदमी को क्यूरियस होना चाहिए। आउट 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 आउट। सॉरी, दैट्स मी। हेलो हेलो, ओके। कोई साइंटिस्ट को मैं समझाता ही है। एक मिनट, इनफ सखी। अथर्वा, सबसे पहले जाओ रूम साफ करो और अपना होमवर्क करो। गो। इनफ सखी, कोल्ड कॉफी पियो और दिमाग ठंडा करो। चलो सखी, तुमने तुम्हारे स्लीपओवर के बारे में तो कुछ बताया नहीं हमें। हाँ डैडी। हाँ। व्हाट अ नाइट, फ्रेंड्स, फूड, गॉसिप, डांस, मस्ती, टाइम पास, एवरीथिंग। पढ़ाई छोड़ के सब। क्या घर था डैडी अन्विता का, बड़ा सा हॉल, ड्रॉइंग रूम, बड़ा। एक मिनट, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। Oh, lovely. Wow. और पता है मम्मा, अद्विता has her own room. उसका अकेली का एक बड़ा रूम। अब घर इतना बड़ा होगा तो स्पेस भी बड़ी होगी ना। नॉट जस्ट स्पेस डैडी, पर्सनल स्पेस, प्राइवेसी। प्राइवेसी, इतना मजा आया था ना, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, जो चाहे करो, जैसे चाहे कपड़े पहनो। पता है मम्मा, मैंने पहली बार ना मेरा वो शॉर्ट नाइट ड्रेस वो पहना था। एक मिनट, ये देखो। हो, इट वाज सो लिबरेटिंग। वाह, अच्छा है ना, तुझे अपना ये नाइट शर्ट का उद्घाटन करने का मौका तो मिला। डैडी, क्या हम एक्स्ट्रा कमरा ले सकते हैं मेरे लिए? ले सकते हैं मतलब ऐसे कैसे? आई मीन ले सकते हैं, नहीं मार्केट से खरीद के लाना, ऐसे नहीं। पर डैडी, काश हमारे पास और एक बेडरूम होता, मेरा खुद का कमरा, तो मुझे इस इडियट अथर्व के साथ रूम नहीं शेयर करना पड़ता, मुझे भी प्राइवेसी मिलती और मेरा मूड हमेशा अच्छा होता। डैडी प्लीज, आप गलत मत समझिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मम्मा, वो मतलब नहीं था मेरा, मैं तो बस प्राइवेसी के बारे में बात कर रही थी। ओह अनीता। अरे हाय बेब। या सखी की प्राइवेसी के बारे में सोच रहे हो मिस्टर वागले? हाँ, मतलब बंदू ऑनेस्टली ये अच्छा खासा बड़ा घर है ना, फिर भी हमारी बच्ची को लग रहा है कि उसे प्राइवेसी नहीं मिल रही है। हाँ तो ऐसा हो सकता है ना राज। क्या हो सकता है, हमारा दादर का घर ना इतना सा था, लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि हमें प्राइवेसी नहीं मिल रही है। वो जमाना और था राज। हाँ, जमाना वाकई में और था, क्योंकि हमारे माँ बाप के सामने मुंह खोलने की क्या मतलब सोचने की भी हिम्मत नहीं होती थी। सखी देखो, हाँ तो हमने अपने बच्चों के साथ वो इक्वेशन रखी है ना राज, ऑफ ओपन कम्युनिकेशन, कि वो जो भी फील करें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस बात पे। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चे हमें बताए कि हम कितने निकम्मे पेरेंट्स हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है राज। और उम्र के एक फेज में ना हर मिडिल क्लास बच्चे को
अपने माँ बाप से, अपने मिडिल क्लास होने से शिकायत होती ही होती है। अगर हमारे बच्चों को हमसे शिकायत है, इसका मतलब ये हमारी हार है। कहाँ हार जीत की बात में फंस रहे हो? इट्स जस्ट अ फेज, निकल जाएगा। निकलने का वक्त हो गया, समझ भी नहीं आ रहा है। इतना सोचने की जरूरत नहीं है राज, कुछ चीजें ना वक्त के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं। हम बच्चों को सब बना बनाया दे देंगे तो खुद क्या अचीव करेंगे? थोड़ा बहुत स्ट्रगल ना जरूरी होता है बच्चों की लाइफ में। लो बोलो, दुनिया के हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे कम स्ट्रगल करें, और तुम कह रही हो कि वो इसलिए क्योंकि स्ट्रगल करेंगे तभी तो खुद को समझेंगे, खुद को जान पाएंगे ना। इट्स ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, इतनी टेंशन मत लो। एक तो सखी कभी कोई डिमांड करती नहीं, पर डिमांड किए तो एक कमरे की और प्राइवेसी की। चलो बाय। प्राइवेसी का डिक्शनरी मीनिंग है स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, स्कूल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जैसा लग रहा है। आई एम ग्लैड मिस्टर वागले कि आपके बेटे को प्राइवेसी means अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, एंड दैट्स अ गुड साइन। मुझे भी अपना मी टाइम बड़ा ही प्यारा होता है, जहां मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। पर हमारे जैसे इतने आबादी वाले देश में ऐसा कैसा हर किसी को क्या पर्सनल स्पेस? हाँ, पर्सनल स्पेस मिलेगा। हमारे घर में बाथरूम बनवाने के लिए स्पेस नहीं है, तो पर्सनल स्पेस कहां से मिलेगा मैडम? Well, personal space is a funny thing, Mr. Wagle. Personal space लेना आसान है लेकिन देना मुश्किल। Excuse me, gentlemen. Please. I need some personal space to take this call. Oh, sorry. Sure. Sir. हमारे चाल में ना थर्ड फ्लोर पे क्या पक रहा है ना वो ग्राउंड फ्लोर पे पता चलता है, और नीचे वाली सास अपने बहू को क्या ताना मार रही है ना वो ऊपर तीसरे माले पे पता चलता है। अब यहाँ किधर आई पर्सनल स्पेस सर? फिर कैसे मैनेज करते हैं सब लोग? हमारे यहाँ सिंपल हिसाब है, रूम में एक ऐसा पर्दा डालने का और पर्सनल स्पेस लेने का, ऐसा ही चलता है। क्या कहा, पर्दा? हाँ, पर्दा। पर्दा है पर्दा, फैंटास्टिक आइडिया चंदू, पर्दा। एक तरफ तुम आराम से रह सकते हो, एक तरफ तुम आराम से रह सकती हो, है कि नहीं? सिंपल सोल्यूशन प्राइवेसी का। डैडी, ये बहुत ही गलत सोल्यूशन है। देखो, हमारे रूम में एक फैन है जो ज्यादा सखी दीदी की तरफ है, और जो हमारे लाइट्स है उसका स्विच सखी दीदी की तरफ है। तो अगर मुझे लाइट ऑन चाहिए और सखी दीदी को सोना है, और अगर मुझे ये फैन ऑफ चाहिए और सखी दीदी को ये फैन ऑन चाहिए, तो फायदा क्या है ये पर्दा लगाने का? एग्जैक्टली डैडी, बाथरूम अथर्व की तरफ है, तो क्या मैं बाथरूम में चेंज करूं या बाहर चेंज करते वक्त अथर्व को यहाँ भेजूं? दिस विल नॉट वर्क डैडी। नो डैडी। राज, ये सब रहने देते हैं, जैसा चल रहा है प्लीज वैसा चलने दो, बच्चे एडजस्ट कर जाएंगे। अच्छा, और एक काम करते, चलो वन मोर प्लान। आधा दिन सखी रहेगी रूम में, आधा दिन अथर्व रहेगा। अच्छा नहीं, चलो इससे भी बेटर प्लान, ऑल्टरनेट डेज करते हैं। ऑल्टरनेट डेज तुम दोनों में से कोई एक ये रूम यूज करेगा, ऑल्टरनेट डेज तुम दोनों में से कोई एक बाहर सोएगा। हाँ, ये परफेक्ट आइडिया है, आई एम गेम। नो डैडी, ये बहुत ही गलत प्लान है। आपको पता ना मुझे बाहर नींद नहीं आएगी, और सखी दीदी के बिना मुझे नींद नहीं आती है। बाहर एसी भी नहीं लगा हुआ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ओके? टॉस करते हैं कि आज रात बाहर कौन सोएगा। हेड्स सखी, टेल्स तुम। टेल्स अथर्व।
सखी गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग Somebody's looking very happy. Yes, Daddy, I'm so happy. इतनी बढ़िया नींद आई ना रात में. No disturbance at all. अब जाकर मैं project पे concentrate कर सकती हूँ. मुझे ना वो आशादाई की बस्ती है और आसपास के slums में जाना है. Okay. अभी तक final नहीं हुआ है ना, Ida. So, hi Tharva. Good morning. क्या हुआ? No good morning? No, because it's a very chai morning. क्यों? क्या हुआ? और ये तेरा फेस ऐसे सूजा हुआ क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी. यहाँ बहुत गर्मी थी और बहुत मच्छर भी काट रहे थे. अरे तो फिर तू कमरे में आ जाता. आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती? अथर्व तू भी तो सोएगा ना अंदर. वो भी 15 डेज डूड. मुझे नहीं करना ये अंदर बाहर वाला चाय गेम. इससे अच्छा अनविता के वहां रहने चले जाओ. अथर्व नहीं नहीं एक मिनट. अनविता का इससे क्या लेना देना? तू उसे क्यों बीच में ला रहा है? वहीं से तो शुरू हुआ था ये प्राइवेसी और स्पेस वाला नाटक. अथर्व तुम बकवास बंद कर नहीं तो दूंगी एक रख के. दो ना, मैं भी वीक नहीं हूँ. मैं एवरीडे मार्शल आर्ट्स की वीडियोस देखता हूँ. कम ऑन आ जाओ. अच्छा कम ऑन. एक मिनट वेट. कुश्ती का अखाड़ा नहीं कर, लड़ना शुरू हो जाते हो. काम डाउन सखी, शांत रहो. ओके बड़ी हो तुम. डैडी बड़ी हूँ इसका मतलब ये नहीं कुछ भी सहलूंगी. सेना तो मुझे पड़ रहा है इसकी फ्रेंड अनविता के वजह से. इसने फिर से अनविता का नाम लिया. अब तो ये पीटी का बस बस बस. Enough, quiet. बैठ जाओ चुपचाप. चलो नाश्ता करो दोनों. मुझे नहीं खाना. अथर्व बिहेव योरसेल्फ. कम हियर. मुझे नहीं करना. सखी तुम ब्रेकफास्ट फिनिश करो. मुझे भी भूख नहीं है. मुझे देर हो रही है. बाय बेटा. बहुत हैवी रेंज का फोकस है. जल्दी घर आ जाना प्लीज. आ जाऊंगी मम्मा जल्दी. तुम तो खाओ. नहीं मैं बाद में करता हूँ. बाय. अपना खुद का अलग कमरा चाहिए है सखी की मांग. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.